सबसे पहले तो मैं जगत सिंह आप सभी का मैथ्स लैब पर स्वागत करता हूं। और आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो है 8.4 और पार्ट क्या है, 1 प्लस साइके अकाउंट में साइके इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अकाउंट में 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस साइके अकाउंट में साइके, तो साइके को चेंज कीजिए, बोला था पहले चेंज करना, 1 प्लस 1 अकाउंट में कॉस ए, 1 प्लस 1 अकाउंट में सॉरी 1 अकाउंट में कॉस ए, ऐसा भी क्या बन जाएगा, कॉस ए प्लस 1 अकाउंट में कॉस ए, उसके अकाउंट में क्या 1 प्लस कॉस ए, तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, क्या रह गया 1 प्लस 1 कॉस ए। अब इससे ये बनाना हार्ड है, तब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे, वो क्या है साइन स्क्वायर ए अकाउंट में 1 प्लस कॉस ए, साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 प्लस कॉस ए, आइडेंटिटी है, बस आइडेंटिटी पुट कर दो, जहां आइडेंटिटी दिख रही आइडेंटिटी वैल्यू पुट कर दो, ये बन जाएगा इसको अगर मैं सही स्क्वायर, तो इसके मैंने बी स्क्वायर 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए अकाउंट में 1 प्लस कॉस ए, ये कैंसिल, क्या रह गया 1 माइनस कॉस ए। यहाँ 1 माइनस कॉस ए है, प्लस नहीं है, ठीक है, यहाँ पर भी क्या आएगा माइनस, माइनस और यहाँ पर भी माइनस, माइनस कर लो उसको प्लस कर लो और मार्कर भी जवाब दे गए, ठीक है, तो ये इससे कैंसिल, तो 1 प्लस कॉस ए क्या है हमारा, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 और कॉस ए माइनस साइन प्लस साइन ए माइनस 1। ये हमारा क्वेश्चन है, पुट करना है, सॉल्व करना है कॉस ए प्लस कॉट ए, मतलब हमें एक तो कॉस भी चाहिए साइन भी चाहिए तभी कॉट बनेगा, तो हम इसी फॉर्मूले में इसको, तो देखिए अब जब प्रूव करना है हमें कॉस ए प्लस कॉट ए, अब कॉस ए कब बनेगा, जब 1 अपॉन साइन होगा, कॉट कब बनेगा, जब कॉस अपॉन में साइन होगा, मतलब अपॉन में क्या होना चाहिए साइन। अब क्या करते हैं हम इस इक्वेशन में, ये जो हमारा राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड है इसमें करेंगे, इसमें जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर है दोनों में साइन से क्या करेंगे डिवाइड, हम क्या किया हम दोनों में साइन से डिवाइड कर दिया, तो कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 अपॉन में साइन ए, ठीक है, क्योंकि तो दोबारा कैंसिल हो सकता है, पर कैंसिल नहीं करना, अगर कैंसिल था तो फिर हमें करने की जरूरत क्या थी, हम इसको सेपरेट करेंगे, तो क्या बन जाएगा ये कॉस ए अपॉन में साइन ए माइनस साइन ए अपॉन में साइन ए प्लस 1 अपॉन में साइन, ठीक है, अपॉन में क्या है कॉस ए अपॉन में साइन ए माइनस प्लस साइन ए अपॉन में साइन ए और माइनस 1 अपॉन में साइन ए, ठीक है, क्या बन गया 1 अपॉन में साइन ए। अब यहाँ साइन से साइन कैंसिल, यहाँ साइन से साइन कैंसिल, ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉस ए, तो ये क्या बनेगा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉस ए, तो हम कहाँ चल रहे थे, कैंसिल हो गया, ठीक है, अब कॉट ए माइनस 1, तो हम इसको लिख लेते हैं कॉट ए प्लस कॉस ए माइनस 1 अपॉन
cot a माइनस cos a के प्लस वन। अब ये प्रूफ करना है, तो अब ये प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो वन है इस वन की वैल्यू हम cot और cos a की टर्म में जो हमारी आइडेंटिटी है उसके थ्रू रखेंगे। तो बात है कि यहाँ रखें या यहाँ रखें, ध्यान रखिए अगर ये हमारा जो आंसर है अगर ये डिनोमिनेटर में है तो हम इसको चेंज करेंगे, और अगर ये न्यूमिनेटर में है तो हम इसको चेंज करेंगे, तो हम इसको चेंज करेंगे, ये क्या बन जाएगा cot a प्लस cos a के माइनस, क्या वैल्यू होती है इसकी आइडेंटिटी से cos a स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a अपॉन में cot a माइनस cos a के प्लस वन। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर cot a प्लस cos a के माइनस cos a के माइनस cot a cos a के प्लस cot a कौन में क्या है cot a माइनस cos a के प्लस वन। अब ये कंप्लीट ब्रैकेट और ये कंप्लीट ब्रैकेट क्या हो गया कॉमन हो गया, कॉमन क्या आ गया cot a प्लस cos a के, यहाँ रह गया वन और ये माइनस, माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा cos a के प्लस cot a कौन में cot a माइनस cos a के प्लस वन, देखिए वन प्लस का ये माइनस का ये प्लस का, तो ये कंप्लीट क्या होगा कैंसिल, आंसर क्या गया आपका cot a प्लस cos a के। बस इस क्वेश्चन में आपको यही ध्यान रखना है कि जो आपका राइट हैंड साइड है तो कोसेक किससे बनता है, कोसेक बनता है साइन से, अगर यहाँ सेक होता तो हम इसको डिवाइड करते कोस से, ठीक है। और अगर वही बात है अगर ये जो राइट हैंड साइड है अगर डिनोमिनेटर में है तो हम ये जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है इसको चेंज करेंगे, ठीक है, और अगर नोमिनेटर में है तो हम ऊपर वाले को चेंज करेंगे। और डिवाइड साइन से करना या कोस से वो डिपेंड इसी पर करते हैं कि अगर यहाँ पर सेक ए प्लस कोट होता तो हम इसको डिवाइड करते हैं किससे कॉस से, और ऐसा आपका एग्जांपल भी है तो उस एग्जांपल को ध्यान से करना आपके समझ में आ जाएगा, तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिक्स पार्ट, सिक्स पार्ट क्या है रूट में वन माइनस साइन ए और वन ऊपर प्लस है नीचे माइनस साइन ए, और प्रूफ करना है sec a प्लस tan a। और जब भी रूट का क्वेश्चन आएगा ऐसे रूट के क्वेश्चंस बहुत है, बस मेथड सब में एक ही है, सबका मेथड सेम रहेगा, किसी में कोई डिफरेंस नहीं है, आपको करना क्या है रैशनलाइज करना, क्या करना है रैशनलाइज, वो कैसे करेंगे बहुत ही आसान क्वेश्चन है और लमसम हर सेकेंड ईयर मतलब हर दूसरे साल जो ये बोर्ड में पूछ ही लेते हैं, चाहे टेंथ आरबीएससी की हो चाहे सीबीएसई की हो, हमें इससे मल्टीप्लाई करना और ये प्लस का रैशनलाइज़ हमने सीखा था कि जो साइन है बस साइन को चेंज करना होता है, तो अगर दोनों सेम है तो ये ब्रैकेट के बाहर सॉरी रूट के बाहर और ये रूट के अंदर, ए माइनस बी ए प्लस बी तो वन का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, ये वन प्लस साइन अपॉन में रूट में वन माइनस साइन स्क्वायर है, और रूट में वन माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी आपको याद होगी तब तक तो याद कर ली होगी, क्या आ जाएगा ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर है, तो ये वन प्लस साइन अपॉन में कॉस है, एलसीएम सेपरेट करो वन अपॉन में कॉस है प्लस साइन अपॉन में कॉस है, ठीक क्या बन गया sec a, ये बन गया tan a, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये अपने को प्रूफ करना है। साइन थीटा माइनस टू साइन क्यू थीटा अपॉन में टू कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू प्रूफ करना है टेन थीटा, ठीक है, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है,
इसको इरेज करो, स्टार्ट करें लेफ्ट हैंड साइड से। तो इनमें कॉमन क्या है, इनमें साइन थीटा कॉमन है, देखिए साइन थीटा कॉमन है, बस कॉमन निकाल लो, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ कॉमन क्या है, कॉस थीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पर भी साइन स्क्वायर है और यहाँ कॉस स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर गारंटी और कॉस स्क्वायर गारंटी, दोनों में से कोई भी आइडेंटी आप यहाँ लगा दीजिए। देखो जहाँ आइडेंटी देखे बस वहाँ आइडेंटी लगा दो, चिपका दो बस आइडेंटी, देखी जाएगी बाकी तो बात की बात है कि आंसर क्या है क्या नहीं आएगा, पर एक बार पता तो लगेगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो 2 - 1 स्क्वायर ठीक है, ठीक है। और चेंज फर्स्ट टाइम एक ही साइड करो, दोनों साइड मत करो, क्योंकि कई बार एक ही साइड से आंसर आता है और फिर भी ना आ रहा हो तो दूसरी जगह भी इंप्लीमेंट कर दो, हाँ देखी जाएगी, क्योंकि जब तक लगाओगे नहीं तब तक गलत करोगे नहीं तो सही कहाँ से आएगा, क्योंकि गलत करना ही सही करने की पहली सीढ़ी है। फर्स्ट अप तो साइन थीटा 2 - 1 - 1 तो क्या आ जाएगा, 2 cos θ - 1 ने नॉर्मल लिख दिया, cos थीटा 2 cos θ - 1 ये कैंसिल, और साइन अपन कॉस क्या होता है, 10θ हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। करना क्या है, फॉर्मूले हैं, आरएनटी है, क्वेश्चन को चिपकाते जाओ और अपना आंसर लेते जाओ, चिपकाओगे तो ही राइट आंसर आपको मिलेगा। अगर बैठे सोचोगे कि अगर ये लगाऊंगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, अगर आप बैठ के ये सोचते हो कि मैं अगर इसको ये लगाऊंगा तो आंसर आएगा या नहीं आएगा, तो आएगा ही नहीं, लगा दो, क्योंकि अगर उससे नहीं आएगा तो किसी और से आएगा, तो जब लगाओगे तो ही आएगा। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा 8th पार्ट है, और 8th पार्ट बहुत ही ईजी है, उसको आप खुद सॉल्व कर सकते हो, बस आपको a+b का होल स्क्वायर लगाना और सॉल्व करना और एडिटिंग का यूज करना, ठीक है। तो मैं आपको करा रहा हूँ 9th पार्ट, नाइन्थ पार्ट क्या है, हो सके माइनस साइन ए को मल्टीप्लाई करना है सके माइनस कॉस ए से, ये कम है 1/2 में टैन ए प्लस कॉट ए, और इस क्वेश्चन में राइट हैंड साइड आपको दिख रहा है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का है कि अपॉन में टेन ए प्लस कॉट ए, देखो मल्टीप्लाई में होता तो फिर भी आंसर आ जाता, पर अगर प्लस में हो तो उसे समझना थोड़ा सा लाना क्या हार्ड है। हम पहले राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, तो क्या आएगा उसको चेंज किया तो क्या आएगा, 1/2 में साइन ए माइनस साइन ए सेक 1/2 कॉस ए माइनस कॉस ए एलसीएम, तो 1 - साइन स्क्वायर अपॉन में साइन ए एलसीएम, तो 1 - कॉस स्क्वायर अपॉन में कॉस ए, 1 - साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए, तो ये क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर अपॉन में कॉस ए, साइन से साइन कैंसिल कॉस से कॉस कैंसिल, तो क्या रहेगा साइन ए इंटू कॉस। तो इससे आप वो नहीं बना सकते, क्या पड़ेगा हार्ड पड़ेगा, मैंने क्या बोला था हार्ड हो तो दूसरे को भी सॉल्व कर दो। तो राइट हैंड साइड चेंज कर दिया हमने टेन को, साइन ए अपॉन में कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन में साइन ए, अगला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है तो बार बार यही आ रहा है, एलसीएम कॉस ए साइन ए, कॉस ए कॉस कैंसिल, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये क्या होता है 1, और ये कहा जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई होगा कॉस ए इंटू साइन है, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आता है 1, तो कॉस ए साइन इंटू का ऊपर राइट और लेफ्ट और राइट से इक्वल, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड।
ये आपकी एक्सरसाइज थी और काफ़ी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है जो बोर्ड के अंदर जो डी पोर्शन का जो क्वेश्चन है 5 मार्क्स का आता है वो इसी एक्सरसाइज से आता है। तो ये मैंने आपको सारे क्वेश्चन करवा दिए इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट, फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया हो और अगर आपको सर 2-3 मैंने जान के छोड़ दिए कि किसी भी आप उसे कर सकते हो, फिर भी अगर आपके समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, उसको हम सॉल्व करेंगे। धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो पसंद आई और आपके अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे और भी जो एक्सरसाइज है उसके सोल्यूशन आपको मिले। थैंक यू।